Chico apa pelawan?
ini juga menari. Okay.
habis, ada di orang orang sorry itu kerja dia. Nanti bontot kenari kamu tinggal. Hei, apa? Kaki. Football me utsah junoon aur romans is match me dikha do dekh lo michael dekh lo sare darshak abhi bhi inter prati nigah se is match ka intezar karte hain ki match ka result kiske favor mein jayega darshakon ki jo tadad badhi hai aur isit roop se main samajhta hu kal aur parson yani ki final din tak mein mahilaon ki sankhya bahut zyada apne glove mein unko lete hain किसी तरीके का कोई खतरा नहीं। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि लेडीज एरिया में बहुत सारे जेंट्स वहां पर घुस गए हैं। मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, कृपया करके आप लोग खुद ही निकल जाएं, अन्यथा आप लोगों को मजबूरन बाउंसर लोगों को बुलाना पड़ेगा। बनाते बार बार अनुरोध इतना इनाम खोएंगे तीन खुरा बलक बुझे होगा बारह नंबर रहे ये खिलाड़ी जर्सी नंबर 11 पहने हुए अच्छा खेल अभी तक में दिखाया है ये खिलाड़ी सॉरी apa yang mau bangun dengan orang pelanggan Nah,
और अपने आप को काबू में नहीं रख पाए
और जर्सी खोल दिया था इन्होंने तो इसको बुकिंग किया गया था। ये अपने टीम के लिए भी अभी बेहतर कर पाएंगे इस हाफ में मुझे लगता है। जिस तरह से क्रॉस आया लेकिन अच्छा अटम, लेकिन टारगेट में नहीं रख पाया इस बार जेहरी। और बिल्कुल राजेंद्र, जिस प्रकार से खेल दिखाए यहाँ पर, जिस प्रकार से प्रस्तुति दिखाई, अपना अपने दिखाए, कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्साहित थे और उस चीज़ को दर्शाना चाह रहे थे लोगों के बीच कि देखिए हमने अच्छा प्रस्तुति दिया, हमने अच्छा गोल किया, यहाँ इस चीज़ को हम दर्शा रहे हैं अपने जर्सी को खोल कर। वो भी 7 नंबर लकी जर्सी होते हैं जो कि बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी पहनते हैं, उस जर्सी को कैमरा के सामने दिखाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा खेल भावना को आहत है, ये नियम के अनुरूप नहीं है, ये नियम का विरोध है, इसलिए वहाँ रेफरी द्वारा उसे बुकिंग किया था। 7 और 10 वो लकी नहीं, उस खिलाड़ी को वो जर्सी दिया जाता, वो सबसे सफल खिलाड़ी होते हैं, ये ही दर्शाता है उनको इस जर्सी उसके टीम मैनेजमेंट ने उसे दिया होगा। मुझे लगता है वो सबसे बेहतर खेलते हैं, 7 और 10 उन्हीं को दिया जाता है। और उतना नहीं जान लीजिए कि उस खिलाड़ी में कुछ खासियत है, इसलिए ही 7 और 10 दिया जाता है। बिल्कुल राजेंद्र, जिस खिलाड़ी में वो क्वालिटी होती है, जिस खिलाड़ी में वो एबिलिटी है, उसी को वो 10 नंबर और 7 नंबर की जर्सी मिलती है, क्योंकि उसने उसका मेहनत किया है, उस प्लेटफॉर्म को तैयार किया है, तो इसी तरह वहाँ उनको 7 नंबर और 10 नंबर की जर्सी प्रोवाइड किया जाता है। और बाखूबी यहाँ पर ये जहती इस चीज़ को दर्शाया है इस ग्राउंड पर कि हमने 7 नंबर का जर्सी पहनने का बिल्कुल अधिकार रखता है, और उसने उस चीज़ को यहाँ पर दिखा दी। लेकिन कहा जाए तो हमारे लोकल बॉयज में ये चल रहा है भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दिखाया है, तो बिल्कुल बढ़िया खेला है। चंद्राई ने लाजवाब किया, सिर्फ चंद्राई ने, उनके हर खिलाड़ियों ने अच्छा किया है, हर लाइन के खिलाड़ी ने, डिफेंस हो, मिडफील्डर हो, या फिर आप यहाँ पर फॉरवर्ड लाइन की बात कर लीजिए, सभी खिलाड़ियों का योगदान बहुत ही अहम रहा है डार्क स्पिन टीम के लिए, और इस हाफ में उतना ही बेहतर कर रहे हैं। यहाँ पर टैकल अच्छा रहा और बहुत ही अच्छा मार्क वहाँ पर करते हुए डिफेंस लाइन से। और राजेंद्र, आज तो जो नजारा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कल कहीं और अलग नजारा होगा, क्योंकि लोकल टीम, लोकल हीरो बीएसके कॉलेज का कल यहाँ पर खेलना है, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों का खुमार है बीएसके ऊपर, बीएसके कॉलेज का टीम है कि नहीं, बीएसके कॉलेज का खिलाड़ी आ रहा है कि नहीं, इस चीज का काफी चर्चा चल रही है। और उसका भी कल अपनी कल फर्स्ट मैच होना है, तो आप दर्शकों का जवाब ना देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, और इंतजार था ऑडियंस को, और बीएससी का मैच आप मिस ना करें। और यहाँ पर बेहतरीन बॉल, चंद्राय का बेहतरीन पास आता हुआ, लेकिन यहाँ पर ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए थे इस बार करण वहाँ पर चाहा नहीं, यहाँ पर बेहतर कनेक्शन हो लेकिन ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए, तो बीएसके कॉलेज का मिस ना, बीएसके कॉलेज बरहरवा का मैच को मिस ना करें, कल 7 बजे आ जाएंगे, और उसका फिरन थे कल एफसी तरुण संघा न्यू टाउन के साथ 7 बजे का समय निर्धारित है। आज इस टूर्नामेंट का इनोग्रेशन था, ओपनिंग होना था तो थोड़ा सा लेट, लेकिन कल समय पर ही होगा। और यहाँ पर ये सेट पीस मिला हुआ है, और बुकिंग, ये पीला कार्ड जो है ये कुछ खेलने का प्रतीक नहीं है, ये वार्निंग का प्रतीक है, और यहाँ पर लेबर तरफ से किया गया है बुकिंग, और रेफरी के ऊपर में कोई दबाव नहीं डालिए, और ऐसा मत बोलिए कि ये सब खिलाड़ी लैंग्वेज नहीं आते हैं, हिंदी के साथ साथ ये बंगाल और बांग्ला भाषा के काफी नॉलेज है इन सभी खिलाड़ियों को, कलकत्ता में रहते हैं और बांग्ला का काफी समझदार है, इसीलिए यहाँ पर मुझे लगता है ये कमेंट्री को बहुत ज्यादा समझ रहे होंगे। और राजेंद्र, यहाँ से बहुत अच्छा सेट पीस मिल गया है यहाँ पर डार्क स्पीड पे साहेबगंज की टीम को, एक अच्छा सा मौका है, एक अच्छा सा चांस है, अगर यहाँ से गोल आती है तो वाकई में एक जान आ जाएगी टीम में, बिल्कुल, और विकल्प है दो टीम्स के पास, क्योंकि 0-0 का स्कोर लाइन है, तो मैं समझता हूँ अच्छा विकल्प है, और यहाँ अगर गोल हो गया, शॉट था लेकिन टारगेट में नहीं, ये आशाजनक शॉट का मुझे लगता था, और थोड़ा अच्छा डायरेक्शन होता है शॉट का तो यहाँ पर ही बोल रहे थे एक अच्छा उम्मीद होता है, एक गोल मुझे लगता है इस हफ्ते काफी होगा इस मुकाबले को जीतने के लिए, क्योंकि आप अगर गोल की बात करें तो मैदानी गोल का जो ज्यादा फासला नहीं रहा है पहला मैच में स्कोर लाइन में, एफसी डार्क स्प्रिट साहेबगंज ने 1-0 से एफसी पुणे सिटी को पराजित किया था, वहीं अगर गोल से देखें फलकनुमा हैदराबाद ने एफसी मुंबई टाइगर को 3-1, तो गोल की दृष्टि से ज्यादा बड़ी जीत मिली थी फर्स्ट राउंड के खेल में फलकनुमा हैदराबाद को, लेकिन मुझे लगता है दूसरे हाफ में उनकी टीम खिलाड़ी फर्स्ट हाफ की तुलना में उतना बेहतर नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार वो फर्स्ट हाफ मैच को खेला था उस तरह
सेकंड हाफ के मैच को खेलते हुए नहीं दिखाया, लेकिन एक बात तो साफ जाहिर होता है राजीव कि ये डार्क स्पीड के खिलाड़ी, ऐसा लग रहा है कि ये सारे खिलाड़ी किसी न किसी एकेडमी से चलकर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे खिलाड़ी का कॉम्बिनेशन तालमेल पासिंग एक्यूरेसी बहुत ही सुंदर। और देखिए यहाँ और खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट नहीं है ये कमिटी का, आते से आप लोग शांत मुद्रा में खेलेंगे, रेफरी के ऊपर में कोई दबाव नहीं, बिल्कुल आप गेम में फोकस कीजिए और यहाँ पर आपको किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं करना है। मेडिकल और सेकेंड मैच के लिए आप दोनों टीम तैयार रहेंगे, क्योंकि इनका ये सेकेंड और सेकेंड हाफ का मैच चलाई बल पर है। आपसे निवेदन रहेगा कि आप इनका मैच समाप्ति से पहले यहाँ डगआउट पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि समय धीरे धीरे सूर्यास्त होने को है, इसीलिए आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों का भी मैच यहाँ समय और रोशनी भी इनकी होना चाहिए, इसलिए आप अभी से तैयारी पर लग जाइए। मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि काफी मेहनत कर ये है ये सवाल तो कहा जो खिलाड़ी जो हुए थे उसके बाद वो बेहतर वापस आ गए। और बिल्कुल राजेंद्र उस खिलाड़ी को जो मेडिकल का रूल रेगुलेशन होता है उसके तहत उनको मैदान से बाहर भेजा गया और जस्ट उनको फिर मैदान में बुलाया जाएगा। बहुत बेहतरीन सही माना बोल रहे थे कि इसके लिए था भाई किरण किसी एकेडमी में ट्रेनिंग लेकर आए टीम और कुछ ऐसा खिलाड़ी जिसको तो मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, उनकी स्किल को जानता हूँ, जैसे बहुत बार इस तरह के भी खिलाड़ी जो कि मैं भी पहले कई टूर्नामेंट एंट्री करता था तो इस प्रकार इस नाते मैं उन सारे खिलाड़ी को जानता हूँ और कहीं ना कहीं इस बार इस नया टीम बनकर यहाँ इस ग्राउंड पर उतरा, पेट कसा जैसे ग्राउंड पर उतरना कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ इतने दर्शकों का हुजूर के बीच में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का पसीना निकल जाता है खेलने में, लेकिन ये खिलाड़ी दांत नहीं खिलाड़ी को देता हूँ कि इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, बेहतरीन किया है और चाहिए भी इस चुनौती में बने रहने के लिए ये मुकाबला जितना बेहद जरूरी है। लामा को ढूंढ के निकालने का प्रयास, लेकिन वहाँ पर चकमा लामा वहाँ पर चुप गए, इस बार उसका अच्छा रिसीविंग नहीं था। सेकेंड हाफ में कोई खास अटैकिंग नहीं रहा है लगनमा हैदराबाद का और शानदार डिफेंडिंग यहाँ पर एक तरह से देखें सेकेंड हाफ का खेल में भी डार्क स्क्रीन की तरफ से चंद्राज कमाल करते हैं, ये इस खिलाड़ी को अगर आप तारीफ करेंगे तो शब्दों की कमी पड़ जाएगी, बेहतरीन खेल खेला है इन्होंने और चाहिए भी लगवा पास वहाँ पर करण के लिए, लेकिन बोल जाएगी वन बाउंड। और अभी तक कहीं ना कहीं राजेंद्र फलकनामा हैदराबाद उन्हें खुलकर खेलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं से कहा जाए तो ये लोकल डार्क स्पीड का ये तारीफ किया जाएगा, कमाल है उनके डिफेंडर का, कमाल है उनके साइड डिफेंडर का, इन्होंने अभी तक उनको इस तरह का कोई मोमेंट क्रिएट नहीं करने दिया यहाँ पर फलकनामा हैदराबाद की। टाल में यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाते हैं फलकनामा हैदराबाद टीम के बीच में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग और अच्छी बात रही है, बॉल को ज्यादा नहीं रख रहे हैं और उसका बेहतरीन क्लियरेंस उस वजह से उसके ऊपर कोई खतरा नहीं बनते हुए नजर आया, बहुत ही कम खतरा बना है, देखना है फुल लाइन से तक क्या आपको लगता है गोल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगी राजेंद्र, लेकिन संभावना ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से अटैकिंग हो रहा है दोनों तरफ से, तो अगर गोल आ जाए तो ये बेस्ट रहेगा, लेकिन अभी तक किस तरह का चांसेस नहीं दिया गया है, मुझे लग रहा है एक गोल होगा और निर्णायक गोल हो सकता है, और बिल्कुल अगर इस क्षण में अगर गोल आती है तो कहीं ना कहीं वो निर्णायक गोल ही होगी।
हमको लग रहा है ये मैच पेनल्टी शूटआउट में पहली बार जाने की संभावना है और बिल्कुल बिल्कुल हमें भी वही अंदेशा हो रहा है क्योंकि अब समय बहुत कम रह गई है और देखिए एकदम समय स्थिति पर पहुंच चुकी है और इसी के साथ मैच का समाप्ति भी सिर्फ होता है और मैं दोनों